13 साल बाद फिर शार्क आइलैंड जाने का मौका मिला। सोचा आपको दिखा ही दूँ शार्क आइलैंड और फरहान में, तो चलते हैं। यहाँ से क्रॉस करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा, तो पानी हमारी मैं तो पार कर रहा है, बाकी इनका पता नहीं। बोट की तरफ रवा दवा, लगता नहीं जैसे मालदीव्स में आ गए हो। बोट रेडी है, तो कौन सी बोट है मुझे नहीं मालूम, आई थिंक ये वाली है। ज़बरदस्त, इसमें हम 14 लोग जाएंगे और आपको दिखाएंगे शार्क आइलैंड। अभी बोट के अंदर जाने के लिए शूज कहते उतारूँ, लेकिन मैं शूज नहीं उतारूंगा, मैं लकीली आ गया और ये आ गया मैं बोट के अंदर। रुको रुको, अभी रुको, मैं पीछे जाएगा वो, हम खाना खाने जाएगा। हाँ खाना खाएगा, पीछे जाएगा वो। ये इसमें एंकर फेंका अभी इसको रोकने के लिए। ऑलराइट, फाइनली शार्क आइलैंड पे आ गए। बहुत डेंजरस था भाई, बोट के ऊपर चोट लगते लगते बच गए। अमेजिंग शार्क आइलैंड, वाओ, लुक्स लाइक वी आर इन मालदीव्स। यूएई फ्लैग, अल्स वाहद साइम बैंक बोट। अभी बस बैंक पर जा रहे हैं और फिर आपको दिखाते हैं शार्क आइलैंड। अभी निकलेंगे बोट से बाहर और ये आ गए। अरे डेढ़ घंटा तो नहीं बोली। अरे वाह, मजा आ गया भाई, मजा आ गया, अमेजिंग। अभी आपको अंदर जजीरे की तरफ लेकर चलता हूँ। इट्स अमेजिंग मैन। ये रहा शार्क आइलैंड और मैंने एक स्पॉट ढूंढ ली। अब यहाँ पर मैं अपने लिए खाना लाऊंगा हूँ, तो ये रहा मेरा चिकन, इसको मैं खाऊंगा, उसके बाद शार्क आइलैंड घूमूंगा। खाने के बाद आपसे मिलता हूँ। जिन ग्रुप के साथ आया था उनके साथ तो खाना खा लिया, अब मैं जरा जा रहा हूँ थोड़ा पहाड़ की तरफ। बड़ा मजा आया यार यहाँ पे, पहले भी आया था लेकिन इस बार तो कुछ एक अलग ही एडवेंचर हो गया। हाय हाय हाय, बियर के कैन भी लोगों ने फेंके हैं। ओह माय, यहाँ से आपको मैं अभी नज़ारा दिखाऊंगा। हाय हाय, ये देखिए जनाब,
सजेस्ट नहीं करूंगा इधर पहाड़ के ऊपर आओ, हर बंदा तो नहीं आ सकता, क्योंकि मैं तो क्योंकि एडवेंचरस टाइप का आदमी हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। पहाड़ी पहाड़, और देखें यहाँ पर लोग स्नॉर्कलिंग भी करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये रही बोट्स, ये हमारी बोट है, ये पता नहीं किसकी है, और ये यहाँ पर स्नॉर्कलिंग हो रही है। What a sight to be seen। शायद यही कवर लगा दूंगा मैं। Amazing, amazing buddy, Shark Island for Fakan। अभी कुछ एडवेंचर और हो जाए, वहां पर चलता हूँ, केकड़े ना हो वहां पर। अच्छा जी, ये रहे मेरे पीछे पहाड़, पहाड़ों के साथ साथ जा रहा हूँ, स्लिप ना हो जाऊं। वाओ, क्या बात है जनाब, दिस इज Khorfakkan Shark Island। चलते हैं उस तरफ, कितना टाइम लगेगा ये नहीं मुझे पता। इसे सांप बिच्छू ना निकल आए, नहीं तो मसला बन जाएगा। वाह वाह वाह, कोशिश करता हूँ थोड़ा आगे जाने की। जबरदस्त, इसमें से निकलते हैं आई थिंक केकड़े। क्या बात है जनाब, हमारे ग्रुप वाले भी इधर आ रहे हैं। एडवेंचर खान साहब के एडवेंचर्स। इट्स टाइम टू लीव नाउ। फाइनली आ गए, ये कर रहे हैं स्नॉर्कलिंग, बोट रैपर भी आ गए, जाने वाले हैं। ओके, जबरदस्त भाई, Shark Island। ये हमारे बंगाली भाई ड्राइवर हैं, और यहाँ से इन्होंने एंकर को निकाल लिया, और हम यहाँ पर फ्रंट पे खड़े हो जाएंगे। इंशाल्लाह। पहले बहुत बुरी तरह गिरा है, इट्स वेरी वेरी खूबसूरत जगह है, खूबसूरत जगह है, जबरदस्त। स्टार्ट हो गई, अभी लगता है गिर ना जाऊँ। Khorfakkan
और ये रहा हमारा किनारा अभी। तो आखिरकार 13 साल बाद आज फिर एक बार याद ताज़ा हो गई। फैमिली के साथ आया था इस बार, कुछ ग्रुप के साथ आया, तो मैंने सोचा इसके ऊपर ब्लॉग कर लूँ। जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर लोग स्नॉर्कलिंग भी करते हैं और खाना वगैरह लेकर आते हैं, डस्टबिन्स भी पड़ी हैं। आपने आई डोंट नो मतलब वीडियो में आया कि नहीं, लेकिन ये बहुत अच्छी जगह है। अगर आप एज ए ग्रुप में जाते हैं तो पर पर्सन आपको 20 से 25 दिरहम पड़ते हैं। सो आई डोंट थिंक सो इट्स अ ह्यूज अमाउंट। और ये देख लें फोरफकान, इस जगह को विज़िट करना मत भूलिएगा, हाईली रिकमेंडेड। उम्मीद है कि आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बहुत शुक्रिया।